सभी लंच एंजॉय कर रहे होते हैं और ऐसे में श्वान उठ के उसके और टैंग के रिश्ते के बारे में बताता है। अब ऑब्वियस सी बात थी, किसी को भी इस बात से खुशी नहीं मिलने वाली थी, फिर भी दोनों अपनी प्यार की बात रखते हैं। श्वान की मॉम के अलावा बाकी सब तो बोल ही नहीं सकते थे, बस सिचुएशन को जहर की तरह निगल रहे थे। श्वान की मॉम टैंग को चले जाने के लिए कहती है। श्वान के पापा भी बात को और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वो श्वान से टैंग को घर छोड़ देने की बात करते हैं। श्वान भी टैंग को लेके चला जाता है। बाद में इन दोनों का मूड ही अपने अपने प्यार के लिए ऑफ होता है, पर यूमिंग मोया से ज्यादा कंट्रोल कर रहा था। मोया को यूमिंग से बात करके हल्का होना था। यूमिंग मोया को समझाता है उसकी गलती यही थी कि वो श्वान को पाने के लिए बहुत डिस्परेट हो पड़ती थी। कोई भी लड़का चिपकू लड़कियों को पसंद नहीं करता। यूमिंग कहता है क्या उसे पता है श्वान टैंग की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि टैंग की एक पर्सनैलिटी है। वो श्वान के पीछे पीछे भागती नहीं है, उससे चिपक के नहीं रहती, बल्कि वो तो श्वान को अपने से दूर रखती थी। मोया को भी पता था कि वो चिपकू जैसी हरकत करती है, पर वो भी क्या करती, श्वान को देख के वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती थी। यूमिंग के पूछने पे मोया कहती है वो गिव अप नहीं करने वाली। वहाँ टैंग बहुत उदास थी, उसने इतनी शिद्दत से विश मांगा था पर फिर भी उसका विश पूरा नहीं हुआ। श्वान उसे समझाता है विश मांगने के लिए पूरा आसमान पड़ा है, वो दोनों फिर से विश मांग लेंगे। श्वान टैंग से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा और उसे पूरी जिंदगी खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा। बाद में श्वान टैंग को तारे दिखाने के बहाने किस करने जाता है। टैंग शर्मा जाती है। श्वान उसे फिर से किस करने जाता है पर टैंग उससे शरारत करने लगती है। टैंग पीछे हो रही थी और श्वान आगे बढ़ रहा था, फिर बेचारा गिर ही जाता है। टैंग को बहुत हंसी आने लगती है और किस के मिस हो जाने पे श्वान को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। वह भाभी जी खुद से तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए सासू मां नाम की हथियार को वो फिर से यूज करने लगती है। फिर से वो अपने फेवरेट काम जो कि उनका कान भरना, दिमाग खाना, टैंक के खिलाफ भड़काना, ये सब करने लगती है। और श्वान की मॉम भी टैंक से और ज्यादा हेट करने लगती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि टैंक उनके परिवार के साथ फिर से जुड़े, खास करके श्वान के साथ। वो भाभी जी से श्वान और टैंक पे नजर रखने के लिए कहती है। भाभी जी भी अगले दिन इस बहाने वर्कशॉप चली आती है। वो वर्कर्स को टैंक और श्वान के अफेयर को लेके और उनके फैमिली मैटर्स को लेके गॉसिप करते हुए सुनती है। फिर असिस्टेंट से तेवर के साथ उन वर्कर्स का एक महीने की सैलरी काटने के लिए ऑर्डर देती है। वहाँ ये दोनों काम करते करते फ्लर्ट कर रहे होते हैं और ये सब भाभी जी आके देख लेती है। वो उन दोनों के लिए स्नैक्स लेके आई थी। बाद में श्वान उसे बाहर तक छोड़ने आता है। भाभी जी उस दिन के लिए श्वान से माफी मांगती है। वो श्वान से कहती है वो उसे गलत ना समझे। तब श्वान ही उससे माफी मांगता है टैंग समझ के उसका हाथ पकड़ने के लिए। बाद में वो अपने सासू माँ से बड़ा चढ़ा के बोलने लगती है, मतलब जो हुआ भी नहीं था वो भी बताती है। वो कहती है उसे देख के भी टैंग और श्वान फ्लर्ट करना बंद नहीं करते और वो कहती है सारी गलती टैंग की ही थी। श्वान की मॉम टैंग को फिर से जॉब से निकाल देने के बारे में सोचती है। वहाँ ये दोनों तो मौका मिलते ही लवी डवी होने लगते है और बीच में टांग लड़ाने यूमिंग आ जाता है। वो बस काम के बारे में बताने आया था। श्वान उससे उनके रिश्ते के लिए आशीर्वाद मांगता है तो यूमिंग वॉज लाइक पहले तो मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और अब मुझसे ही उनके लिए आशीर्वाद मांग रहा है। फेंजन गोलू को मिलने बुलाई होती है। गोलू तो अभी भी मोया के लिए ही वेट कर रहा था, मतलब मोया के हाँ कहने का। वो फेंजन को डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करता है पर फेंजन के बातों से इंस्पायर होके कहता है वो दोनों ही अपने अपने प्यार के लिए गिव अप नहीं करेंगे। वो मोया पे गिव अप नहीं करेगा और उसे भी उस पे गिव अप करने की जरूरत नहीं है। फेंजन भी उसके बात पे राजी हो जाती है। गोलू के पापा वहाँ से गुजरते वक्त गोलू को फेंजन के साथ देख लेते हैं। एक तरफ श्वान के पापा का बिजनेस बहुत हाई पे चल रही थी और वही दूसरी तरफ गोलू के पापा की हालत बहुत खराब चल रही थी। अब तो उनके पास कोई जासूस भी नहीं था। श्वान के पापा हर वक्त श्वान की तारीफ करते फिरते हैं और यूमिंग को उससे सीखने के लिए कहते हैं। अब यूमिंग था घर का बड़ा बेटा और उनका असली बेटा, और उसे अगर बार बार एडोप्टेड बेटे से सीखने को कहा जाए तो बेचारे के दिल में गुस्सा जलन तो होगी ही ना। अगले सीन में हम यूमिंग को एक लेटर लिखते हुए देखते हैं और अगले दिन वो लेटर गोलू के पापा के पास भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप आता है। अब उस लेटर में क्या लिखा था, यूमिंग ने क्या लिखा था, वो तो वही जानते थे। अगले दिन इनके दुकान पे ये आदमी आया होता है। यूमिंग इन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा होता है। ये उसके बातों से इम्प्रेस होके एक बहुत बड़ी ऑर्डर दे जाते हैं जिसे पूरा करना पॉसिबल नहीं था।
श्वान मैनेज करने की बात करता तो है, पर बाद में उसे नहीं लग रहा था कि वो पूरा कर पाएगा। यूमिंग कहता है, पापा ने कहा था ऑर्डर पूरा करना होगा। फिर तो श्वान को वापस से सोचना पड़ता है। श्वान के पापा जब खुश होकर बड़ी ऑर्डर के बारे में कहते हैं, तब श्वान की मॉम सेलिब्रेट करना चाहती है, पर श्वान के पापा को सिर्फ उनके साथ सेलिब्रेट नहीं करना था, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। उनके बीच टैंक को लेके भी बहस होने लगती है। फिर तो श्वान के पापा बिना खाए ही उठ जाते हैं। वहाँ यूमिंग के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो बस उसे ही पता था। वो श्वान और टैंग के लिए उनके फेवरेट केक लेके आया होता है और बहुत खुश मिजाज लग रहा होता है। बाद में श्वान को यूमिंग के इस तरह से टैंग के लिए उसका फेवरेट केक लाने वाली बात से जलन होने लगती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। टैंग को भी उसका जलन होना समझ में आ जाता है। श्वान उसे पकड़ के कहता है वो ये बात ना भूले कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अगले सीन में हम देखते हैं श्वान और टैंग की वजह से वो सब ऑर्डर को पूरी कर पाते हैं। बाद में गोलू के पापा के आदमी आके फेंसन को उनसे मिलने जाने के लिए कहता है। इस सक्सेस के बाद ये सब फिर से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। श्वान टैंग को क्रेडिट देता है तो उसकी मॉम एज यूजुअल गुस्सा हो जाती है। श्वान के पापा उसे टैंग को बीच में लाने से मना करते हैं, उसकी बात करने से मना करते हैं। श्वान फिर भी कहता ही जाता है। इस बार यूमिंग भी उसे मना करता है। इसके बाद श्वान का मूड तो ऑफ होना ही था। फेंसन गोलू के पापा से मिलने आती है। गोलू के पापा अपने बेटे के नाम पे उसे खरीदना चाहते थे, उसे अपने काम पे लगाना चाहते थे, पर फेंसन को अपना ईमान नहीं बेचना था। उसे गोलू का प्यार नहीं मिलता तो भी चलता, पर वो श्वान के फैमिली को धोखा नहीं दे सकती थी। वो उनके ऑफर को साफ साफ रिजेक्ट करते हुए चली जाती है। बाद में गोलू के पापा गोलू को बस मोया पे फोकस करने के लिए कहते हैं और फेंसन से आइंदा से मिलने से मना कर देते हैं। अगले दिन गोलू अपने पापा की तरफ से फेंसन से माफी मांगने आता है। फेंसन उसे कहती है उसने सोचा है कि वो उसे प्यार करना छोड़ देगी क्योंकि उनके बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क है। वो आगे से उसे अपने दोस्त के हिसाब से देखेगी। गोलू तो उसे अपनी बहन के हिसाब से देखना चाहता था। फेंसन उसे जाने के लिए बस कहती है और गोलू तो भागने लगता है, मानो जैसे वो जाने का इंतजार ही कर रहा था। गोलू के पापा उस मिले हुए लेटर को अपने आदमी से कह के न्यूज़पेपर वालों के पास भेजते हैं। अगले दिन पूरे शहर में उस दिन श्वान के अपने भाभी का हाथ पकड़ने वाली बात फैल जाती है। सभी श्वान और उसके भाभी के रिश्ते को लेके बात करने लगते हैं। श्वान के पापा तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इस रूमर के वजह से उनका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। कस्टमर्स आके अपना पैसा वापस मांग रहे होते हैं। श्वान के पापा एक के बाद एक आई हुई मुसीबत से थक चुके थे। अभी वो श्वान पे गुस्सा होने लगते हैं। सच में यूमिंग के दिमाग को मानना पड़ेगा, कितने अच्छे से वो अपना प्लान चला रहा था। किसी का भी उस पे शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बड़े आराम से खेल रहा था वो। वो अपने पापा को शांत करने लगता है और कहता है वो सब संभाल लेगा। वहाँ वर्कशॉप में भी र्यूमर्स को लेके बात चल रही होती है। फेंसन उन पे गुस्सा करने लगती है। टैंग को पता चलने पे वो भी उन्हें उल्टा सीधा सोचने से मना करती है। बाद में टैंग श्वान से इस बारे में बात करने आती है। थोड़ी देर बाद मोया श्वान की चिंता करते हुए उसे देखने आती है। वो श्वान को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की आइडिया देती है, पर टैंग को उसका ये आइडिया ठीक नहीं लगता। फिर तो मोया टैंग पे चढ़ने लगती है, उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। श्वान तब मोया पे चिल्लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं श्वान यूमिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की बात करता है। वो अपने पापा से डिस्कस करना चाहता था, पर यूमिंग उनका तबीयत का वास्ता देके कहने नहीं देता, पर वो श्वान के फैसले को सपोर्ट करता है। इस र्यूमर से भाभी जी बहुत खुश थी। असली में ना सही, पर ऐसे न्यूज़पेपर में दोनों के बारे में लिखा था, यही उसके लिए खुशी की बात थी। बाद में श्वान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे बात क्लियर करने के लिए बोलता है। भाभी जी सबके सामने बात करने में ऑकवर्ड फील कर रही थी, पर श्वान अपनी बातों से उसे राजी करवा लेता है। अगले दिन जब मीडिया वाले श्वान पे उंगलियां उठाने लगते हैं, उसे बुरा भला बोल रहे होते हैं, तब भाभी जी से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपना ऑकवर्डनेस छोड़ के सबके सामने बात को क्लियर करने आती है। वो अपना दुखड़ा सुनाने लगती है और फिर अचानक से इस र्यूमर्स को लेके वो टैंक पे उंगली उठाती है, उसे जिम्मेदार ठहराती है। वो साथ में चाकू लेके आई थी, सबके सामने वो सुसाइड करना चाहती थी, पर गोलू और श्वान मिलके उसे रोकने लगते हैं और यूमिंग टैंक को लेके वहां से चला जाता है। बाद में श्वान अपने भाभी पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। भाभी जी कहती है वो हर वक्त टैंक को डिफेंड क्यों करता है, उसे सच्चाई दिखाई नहीं देता। भाभी जी कहती है उस दिन उनके अलावा और कोई नहीं था वहाँ। टैंक के अलावा और कौन कर सकता है ये काम, उसने जलन के मारे ये सब किया होगा। तब श्वान अपनी भाभी को पागल कहते हुए चला जाता है। बाद में श्वान को अपने पापा से बहुत डांट पड़ती है, उनसे बिना पूछे प्रेस बुलाने के लिए। यूमिंग यहाँ भी
बात को अपनी फेवर में संभाल लेता है। वह शुआन की मॉम पहली बार अपनी बहू के काम से खुश थी। उन्हें टैंक की बेइज्जती से बहुत खुशी मिल रही थी। वो अपने बहू को इस बारे में डिफेंड करने की बात करती है, मतलब सबकी बातों से उसे बचाने की बात करती है।